देश में ना आपसी समता आई है, ना स्वतंत्रता मिली है, ना बंधुत्व जागा है, ना न्याय की स्थापना हुई है। जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीच से खत्म हो जाएंगे। आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है। जब राम जन्मभूमि का फैसला आस्था के हिसाब से करवा सकते हैं तो सब कुछ बदल सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं जब हिंदू एक है? और संविधान का मूल प्राण ये है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने का प्राण है संविधान का। देश 77 साल हो गए आज़ादी के, देश में ना आपसी समता आई है, न स्वतंत्रता मिली है, न बंधुत्व जागा है, न न्याय की स्थापना हुई है। इसके बावजूद भी आज भी न्याय बिक रहा है। तो बड़ा अफसोस है कि 77 साल में कुछ नहीं हो पाया है। अब तो संविधान खतरे में है, अब तो संविधान भी खत्म होने वाला है, अब क्या होगा? मैं इसी पीड़ा से बड़ा दुखी रहता हूँ, रात में सो नहीं पाता, मेरी स्थिति बहुत ही गंभीर है, मैं रोता रहता हूँ। जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीच से खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि संविधान, हमारा संविधान जो समता मूलक है, स्वतंत्रता का पक्षधर है, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, आज वो संविधान जो विश्व से अनूठा संविधान कहा गया है, क्या कमी हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूँ, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है? बस मेरा सिर्फ यही कहना है। बंते जी, कौन बदलने की साजिश कर रहा है? साजिश इस देश का ब्राह्मणवादी आरएसएस भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है, यहाँ की करेंसी बौद्ध करेंसी है। अब जबरदस्ती वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे, मेरे समझ में नहीं आता। वो कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज से जब राम जन्मभूमि का फैसला आस्था के हिसाब से करवा सकते हैं तो सब कुछ बदल सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। तो भंते जी, हिंदू राष्ट्र में आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हिंदू का मतलब है विषमता। विषमतावादियों का राष्ट्र हम क्यों बनने देंगे? ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है, यहाँ से समता निकली है, इसकी कोख से, इस देश की कोख से समता निकली है, बुद्ध की वाणी से समता निकली है। समता को नष्ट होने देंगे हम? तो वो तो कह रहे हैं समानता आएगी। जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे सनातन तो हम हैं, सबसे पहला दुनिया में महापुरुष अगर कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए हैं। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हम तो चाहते हैं ना कि समता है इस देश में, स्वतंत्रता मिले। उन्हें दिक्कत इसलिए होती है आप हिंदुओं को कमजोर कर। जी नहीं, हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती और हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए हैं। क्या ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, बनिया हिंदू है, आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं जब हिंदू एक है? हिंदू भी एक नहीं है, उनमें भी एक जाति में, एक एक वर्ण में, एक एक उसमें 20-20 जातियाँ, उप जातियाँ हैं, कहाँ एकता है? वो तो विषमता का मैनिफेस्टो है, उनके मैनिफेस्टो में हिंसा है। वो सत्य हिंसा की बात करते हैं, किंतु उनका जो मैनिफेस्टो है वो हिंसात्मक है, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अहिंसात्मक है। अरे वो कह रहे हैं प्यार भाईचारा, कभी नहीं, कभी जो कहते हैं कभी वो करते ही नहीं। ये साधु संत जो, अरे साधु संत उन्हीं से निकले हैं, उनमें भी विषमता है। साधु संतों में जो शंकराचार्य है वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, क्यों?
एक सवाल है जब समता है। दूसरा जो विद्वान है चाहे वो जिस वर्ण का हो उसे शंकराचार्य किसी ने बनाया था, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। क्या ज्ञानी होते हैं? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, क्या एक आईएएस से ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो शंकराचार्य। मैं सवाल करता हूँ कि एक आईएएस से शंकराचार्य अगर ज्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये चीवर उतार करके उनके धर्म में चला जाऊँगा, उनके रास्ते पर चला जाऊँगा। 25 घंटे पढ़ता है तब आईएएस बनता है। शंकराचार्य भी सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते ना, शंकराचार्य जो बनते हैं वो सारे ब्राह्मण नहीं बनते ना, उसमें भी कुछ ही ब्राह्मण बनते हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। हाँ 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 सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो वाजपेयी होते हैं, जो कोणस ब्राह्मण होते हैं, जो नम्बूद्रीपाद ब्राह्मण होते हैं, वो शंकराचार्य बन सकते हैं, क्योंकि कोणस ब्राह्मण भी इस देश में सबसे नीचा ब्राह्मण है, वो बन सकता है, और सबसे ऊँचा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये इस देश की कहानी है पत्रकार जी। मैं भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किए हूँ, मैं भी पत्रकारिता किए हूँ। पत्रकारिता मैंने क्यों छोड़ी, बहुत बड़ी वजह, उसमें भी यही चीज़ है, यही जर्नलिज्म किया। तो मीडिया पर क्या विचार है आपका? मीडिया मीडिया को हम साधुवाद देते हैं, जो सच्ची बात निकले। कहा गया है तूफानों के खबरदार नहीं होते वो और ही होंगे, कलमकार नहीं होते। यहीं से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।